to my channel 24/7 English. This video is the part 7 of basic English for the beginners. And in this video, we are going to discuss about adjectives. Possessive adjectives हम पहले कर चुके हैं और आपको समझ भी आ गया होगा. And in this video, we are discussing about the adjectives. Now, the very first thing, what are adjectives? Adjectives are the words which describe a noun. मतलब जो noun को describe करते हैं. In which form? In the form of size, shape, color or other things. Other thing means you can say feelings or emotions or any other things. So, अब क्या हुए adjectives पे? कि ऐसे words जो noun को describe करते हैं किस form में? उनके size की form में, shape की form में, उनके color की form में या किसी और form में. उन्हें हम बोलते हैं adjectives. And let's get started. Now I say it's a marker. You know it's a marker. But if I'll say it's a black marker. So अब मैंने यहाँ पे इसको specify कर दिया है कि ये black marker है. ये red नहीं है, ये green नहीं है. This is a black marker. So it's a black marker. अब ये जो black word है, ये हमारे marker को describe कर रहा है. क्या describe कर रहा है? उसका color describe कर रहा है. It's a marker. It's a marker is a simple sentence, as we have done before also. And it's a black marker, so this black is describing the color of the marker. So, यहाँ पे जो black word use हुआ है, that is an adjective. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो black है, ये एक adjective है. So, adjective क्या हुआ? Noun है हमारा marker, और marker को describe कर रहा है क्या word? Black. तो ये हो गया हमारा adjective. अब हम ये देखेंगे it's. It's में क्या है? ये आपका subjective pronoun plus to be verb है. A ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गया एंड दिस इज नाउन. सो दिस इज डिस्क्राइबिंग द नाउन. सो हियर ब्लैक इज एन एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ कलर इज डिस्क्राइबिंग. द सेकेंड इज दिस इज अ बर्ड. सिंपली दिस इज अ बर्ड. ठीक है. अब दिस इज अ स्मॉल बर्ड. अब दिस इज अ बर्ड. इट्स अ सिंपल सेंटेंस. बट वेन वी से दिस इज अ स्मॉल बर्ड, तो अब स्मॉल हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम उस बर्ड को बता रहे हैं कि उसकी उसका साइज कैसा है. वो छोटी है, वो बड़ी है, वो बिग है, वो स्मॉल है. सो नाउ वी आर सेइंग स्मॉल. सो स्मॉल वर्ड क्या हुआ यहाँ पर? स्मॉल वर्ड हुआ हमारा एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन है हमारा बर्ड एंड दिस स्मॉल इज डिस्क्राइबिंग दिस नाउन. स्मॉल इज डिस्क्राइबिंग द नाउन इन द फॉर्म ऑफ साइज. तो यहां हमारा स्मॉल हो गया एडजेक्टिव. सो सिंपली सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग में आया दिस इज अ स्मॉल बर्ड. सो ये हम दिस और दैट के सेंटेंसेस हमने किए हैं पहले. सो यहां हमारा आ गया दिस इज अ स्मॉल बर्ड. स्मॉल इन द वे ऑफ साइज इट्स डिस्क्राइबिंग द नाउन. सो इट्स एन एडजेक्टिव. द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ टेबल. वी आर सेइंग दैट इज अ टेबल, कि वो टेबल है सिंपली. बट इफ वी विल से दैट इज अ राउंड टेबल, अब हम क्या बता रहे हैं? हम उस टेबल की शेप बता रहे हैं कि वो राउंड है या वो ट्रायंगुलर है या वो रेक्टेंगुलर है या वो आपका स्क्वायर की फॉर्म में है. हम वो बता रहे हैं. सो हियर वी आर सेइंग इट्स अ राउंड टेबल. दिस इज अ राउंड टेबल. तो राउंड वर्ड जो हमने यूज किया वो हमारे टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेप. तो टेबल हमारा यहाँ है नाउन और जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है उसको वो है राउंड इन द फॉर्म ऑफ शेप. सो हियर राउंड इज एन एडजेक्टिव. देन द नेक्स्ट वन इज She is a girl. She is a girl. Simple. She is a girl. ठीक है. But when we say she is a tall girl, she is a tall girl. अब अगर हम उसकी height बता रहे हैं, she is a tall girl, or she is a fat girl, or she is a small girl. So that is describing the size. So tall is describing the size of that girl. That she is a tall girl. अब tall जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब हमने specify कर दिया उस girl को. And girl is the noun here. So here, she is a tall girl. So tall is an adjective in this sentence. Now we come, she is a happy girl. अब हमने यहाँ describe किया size के way में. But when we say she is a happy girl, अब happy है, happy मतलब खुश है. तो वो उसकी feelings को बता रहा है, वो उसके emotions को बता रहा है. That she is a happy girl. अब happy word यहाँ क्या हुआ? हमारा happy word जो हमने use कर लिया for the girl, girl is noun here. और happy जो है हमारा that is an adjective. वो एडजेक्टिव किस फॉर्म में हो गया? उसकी फीलिंग की फॉर्म में हो गया, बिकॉज वो उसकी फीलिंग्स बता रहा है. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल क्वालिटी.
बता रहे हैं कि दैट गर्ल इज ब्यूटिफुल. इट्स अ बिग कप. बिग मीन्स उसका साइज, दैट इट्स अ बिग कप. इट्स नॉट अ स्मॉल कप, इट्स अ बिग कप. साइज हो गया. इट्स एन इंडियन कप. अब इंडियन कप जब हमने यूज किया, इंडियन, अब हम एक कप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो इट्स अ बिग कप, वहां उसका साइज आ गया इन द फॉर्म ऑफ बिग. सो बिग क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया. इट्स एन इंडियन कप. इंडियन, इंडियन क्या है? ओरिजिन. ओरिजिन मतलब कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां बना है. सो दैट इज इंडियन. सो यहां हमारा इंडियन एडजेक्टिव हो गया बिकॉज वो कप को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका ओरिजिन बता रहा है. इट्स ए प्लास्टिक कप. इट्स अ प्लास्टिक कप, तो मटीरियल बता रहा है कि वो प्लास्टिक का है, वो ग्लास का नहीं है, वो प्लास्टिक का है. इट्स नॉट अ ग्लास कप, इट्स अ प्लास्टिक कप. इट्स अ कॉफी कप. नाउ व्हेन वी से इट्स अ कॉफी कप, दैट मीन्स इट्स डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ यूजिंग द कप. हम किस पर्पस से उस कप को यूज कर रहे हैं. सो इट्स अ कॉफी कप. हियर कॉफी इज यूज एज एन एडजेक्टिव. यहां पे कॉफी जो है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है. हम ये नहीं कहेंगे कि कॉफी यहाँ पे कोई ड्रिंक है या कुछ. नो, इट्स अ कॉफी कप. तो कॉफी यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है बिकॉज इट्स डिस्क्राइबिंग द कप. इट्स द पर्पस ऑफ द कप, व्हाई वी यूज इट. सो ये हमने एक ही कप के बारे में, हमने साइज भी देखा, ओरिजिन देखा, मटेरियल देखा एंड पर्पस देखा. सो दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज फॉर अ सिंगल कप. नाउ वी कम टू अदर सेंटेंसेस. इट्स एन अगली एंट. When we say it's an ugly ant, means it's not beautiful. So it's an ugly ant. Ugly quality बता रहा है. Same way जैसे she is in a beautiful girl, यहाँ beautiful उसकी quality बता रहा है girl की. Same way यहाँ पर it's an ugly ant. Ugly is describing the quality of ant or the beauty of ant, whether she is beautiful or ugly. But here it's ugly. So it's an ugly ant. अब आपने ये ध्यान रखिए, देखिए कि a और an का use आपने सब में notice कर लीजिए. कि ए और एन हमने कैसे यूज किया है, कहां यूज किया है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस लेसन्स. सो इट्स एन अगली एंड. क्वालिटी अगली आर एडजेक्टिव. दैट ऑक्टोपस इज बिग. दैट पर्टिकुलर ऑक्टोपस इज बिग. अब उसका साइज बता रहा है कि वो बिग है. सो बिग इज एडजेक्टिव बिकॉज ऑक्टोपस क्या है हमारा. ऑक्टोपस इज नाउन और नाउन की को डिस्क्राइब कर रहा है बिग इन द फॉर्म ऑफ साइज. सो इट्स एन एडजेक्टिव. He is a fat man. Fat. एक पर्टिकुलर बता रहा है कि वो फैट है. द मैन इज नाउन हियर एंड विच काइंड ऑफ द पर्सन इज, विच काइंड ऑफ मैन ही इज. इट्स साइज इज फैट. ही इज अ फैट मैन. तो फैट यहां पे हमारा यूज हो गया एज एन एडजेक्टिव. हर आईज आर ब्लू. हर आईज आर ब्लू. आईज उसकी ब्लू है. अब आईज क्या है? वो नाउन है. एंड वो कैसी है? कैसी, इस तरह की, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कलर. दोज आर ब्लू. अब हम कहेंगे हर आईज आर ब्लैक, हर आईज आर ब्राउन, हर आईज आर ब्लू. तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, दीज आर कलर्स एंड दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. माय स्टूडेंट्स आर हैप्पी. माय स्टूडेंट्स आर हैप्पी. इफ आई विल से माय स्टूडेंट्स आर हैप्पी, सो हैप्पी इज डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कैसे हैं? वो हैप्पी हैं. सो हियर हैप्पी इज एन एडजेक्टिव. Now you must have seen, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कई सेंटेंसेस में, मोस्टली सेंटेंसेस में नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है. ब्यूटिफुल गर्ल, बिग कप, इंडियन कप, प्लास्टिक कप, कॉफी कप, अगली एंट, फैट मैन. बट कुछ सेंटेंसेस हमने ऐसे यूज किए हैं जिनमें हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में यूज हुआ है. लाइक ऑक्टोपस नाउन है एंड बिग इज एन एडजेक्टिव. दैट ऑक्टोपस इज बिग. अब नाउन पहले आया है और एडजेक्टिव बाद में आया है. सो हर आईज आर ब्लू. आईज पहले आए हैं, ब्लू बाद में आया है, एडजेक्टिव बाद में आया है, नाउन पहले आया है. माई स्टूडेंट्स आर हैप्पी. माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? वो नाउन है एंड दे आर हैप्पी. तो हैप्पी जो है वो बाद में आया है, एडजेक्टिव बाद में आया है और नाउन पहले आया है. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है एडजेक्टिव को यूज करने का दैट वी हैव टू यूज देम बिफोर द नाउन और वी हैव टू यूज देम आफ्टर द नाउन. वी कैन यूज इन बोथ ऑफ द वेज. इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. हमारा सेंटेंस कैसे है, हम उसको कैसे फ्रेम कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन इट. यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव, हाउ टू यूज देम. अब उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन कैसे है बिफोर द नाउन एंड आफ्टर द नाउन. वेन वी यूज द एडजेक्टिव बिफोर द नाउन देन वी कॉल इट एट द एट्रीब्यूट पोजिशन. दैट एन आर एडजेक्टिव इज एट एट्रीब्यूट पोजिशन. When we use it before the noun, for example, she is a thin girl. She is a thin girl.
अब थिन जो वर्ड यूज हुआ है इट्स एन एडजेक्टिव एंड दिस वर्ड हैज बीन यूज फॉर गर्ल. गर्ल क्या है, यहाँ नाउन है और इसके लिए हमने यूज किया है थिन एंड थिन इज एन एडजेक्टिव हियर. सो हमने गर्ल के लिए यूज किया है थिन, दैट इज एडजेक्टिव, और बिफोर द नाउन, नाउन से पहले यूज किया है हमने. सो इट्स पोजिशन, द पोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव इज एट एट्रीब्यूट, इट्स एन एट्रीब्यूट पोजिशन. The adjective is at attribute position. Now they are red apples. They are red apples. Apples कैसे हैं? Red हैं. तो red is the color of those apples and it's an adjective. और ये apple से पहले use हुआ है, noun है हमारा apples और noun से पहले हमारा adjective use हुआ है, means at an attribute position. He is a tall man. Man, noun. और man से पहले हमने use किया before the noun, adjective. He is a tall man. उसकी साइज बता रहे हैं. आई एम इंडियन वुमेन, आई एम इंडियन वुमेन. अब इंडियन यहाँ क्या है? ओरिजिन. जो वुमेन का ओरिजिन बता रहे हैं, वुमेन इज नाउन हियर. सो वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव बिफोर द नाउन. सो दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर द नाउन एंड दे ऑल आर एट एट्रीब्यूट पोजिशन. एंड वेन वी यूज आफ्टर द नाउन देन वी कॉल इट एट प्रेडिकेटिव पोजिशन. सो प्रेडिकेटिव पोजिशन क्या हुआ? जब हमने एडजेक्टिव को यूज किया आफ्टर द नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हर आईज आर ब्लैक. आईज क्या है? नाउन है यहाँ. और उसके आईज को क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ब्लैक. दोज आर ब्लैक इन कलर. सो ब्लैक इज एडजेक्टिव हियर एंड दिस इज यूज आफ्टर द नाउन. सो हियर द एडजेक्टिव इज एट प्रेडिकेटिव पोजिशन. सेम वे हिज कार इज स्मॉल. स्मॉल एडजेक्टिव, कार नाउन. देयर हाउस इज बिग. देयर हाउस इज बिग. सो हाउस इज नाउन and big is adjective and big is used after the noun, after the house. So it's at predicative position. Then those guests are Canadian. Canadian है means unki origin bata raha hai ki wo sab Canadian hai. Guest kya hai yahan par? Guest noun hai hamara and Canadian is an adjective here. So these all are used after the noun and these all are used before the noun. Now let's discuss some more adjectives. Now we will discuss some negative adjectives. नेगेटिव एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं? जिनके साथ हम कुछ प्रीफिक्स यूज कर देते हैं. प्रीफिक्स मतलब उसके आगे कोई और वर्ड ऐसे यूज कर देते हैं जिसको ऐड करने से वो एक नेगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन आपका एक प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स के साथ आपने एक्टिव लगाया विच इज एन एडजेक्टिव. तो इन एक्टिव जब यह हम कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, देन इट विल बिकम इनएक्टिव और एक ये नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया. एक्टिव जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, चल रहा है, और इनएक्टिव जो बंद है, जो काम नहीं कर रहा है, जो नहीं चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से आर मशीन इज एक्टिव और आर मशीन इज इनएक्टिव. तो इनएक्टिव क्या हुआ? इसका ऑपोजिट हो गया. क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट बन गया है. इट्स नॉट वर्किंग, इट्स इनएक्टिव. तो यहां इनएक्टिव हमारा एक नेगेटिव एडजेक्टिव आ गया. इनअप्रोप्रिएट. इनअप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब कोई चीज अप्रोप्रिएट है, कोई चीज सही है, और जब हम उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो वील राइट इनअप्रोप्रिएट. इट्स एन इनअप्रोप्रिएट थिंग और इट्स एन इनअप्रोप्रिएट वर्क. इन प्लस कंप्लीट. कंप्लीट हमारा एडजेक्टिव है, मतलब कंप्लीट हो गया है, काम पूरा हो गया है. एंड व्हेन वी विल ऐड इन एज एन प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करना. पी फॉर प्रीफिक्स, पी फॉर पहले. आप ये भी इस तरह से याद कर सकते हैं. इन कंप्लीट जो हम ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट मतलब ये काम कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर्स आर ऑल्सो से दैट दे ऑल्सो से योर वर्क इज इनकम्प्लीट और योर होमवर्क इज इनकम्प्लीट. मीन्स आपका काम पूरा नहीं है. तो ये सारे हमारे क्या बन गए? इन प्रीफिक्स को ऐड करके हमारे जो है ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स बन गए, जैसे इनएक्टिव, इनअप्रोप्रिएट, इनकम्प्लीट. नाउ अनदर प्रीफिक्स इज इल. अब इल हम यूज करते हैं तो हमारे जो वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं. लाइक इल प्लस लीगल, इलीगल. इल प्लस लिटरेट, इलिटरेट. इलीगल मतलब कि जो कानून से बाहर चीज है, यानी अगेंस्ट द लॉ. इलिटरेट मीन्स, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, एजुकेटेड पर्सन, और इलिटरेट द पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है. तो वो उसका नेगेटिव फॉर्म आ गया. इल लॉजिकल. लॉजिकल मतलब हाँ, ये लॉजिकली काम ठीक है, या ये आप कहेंगे कि हाँ इसका लॉजिक ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. बट अगर वो सही नहीं है, इलॉजिकल, तो इट विल बिकम आई इल प्लस लॉजिकल, दैट इज इलॉजिकल. तो ये आपका इलॉजिकल हो गया, आपका नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया. देन द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इर. इर, आई आर इर.
इन प्लस रेगुलर, कोई चीज रेगुलर है, लगातार हो रही है, चल रही है, बट अगर हम प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इल, सो इट विल बिकम इरेगुलर. इरेगुलर क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा, मतलब वो काम इरेगुलर है, मतलब लगातार नहीं हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है. इल प्लस रिस्पॉन्सिबल, इट विल बिकम इरेस्पॉन्सिबल. हम कहते हैं कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, सारी चीजों को समझते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हो, मानते हो, बट अगर आप नहीं समझते तो हम क्या कहेंगे, यू आर इरेस्पॉन्सिबल पर्सन. सो इट इज नाउ नेगेटिव एडजेक्टिव. इर प्लस रैशनल, इट विल बिकम इरैशनल. अनदर प्रीफिक्स इज एम, आई एम इम. अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ हम इम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव. बट ऐसा नहीं है कि हर किसी एडजेक्टिव के साथ ही ऐड हो जाते हैं, इनके भी कुछ अपने रूल्स होते हैं कि सब वर्ड्स के साथ ही ऐड नहीं होते. अब ऐसा नहीं हम कर सकते कि हमने इनएक्टिव लिखा और अगर हम उसके साथ इन प्लस अगली लिख देंगे तो इन अगली एक एडजेक्टिव बन जाएगा. नो, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. तो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है. देन इम प्लस बैलेंस, इम्बैलेंस, बैलेंस खराब हो जाना, बैलेंस बिगड़ जाना. इम प्लस पोलाइट, पोलाइट मतलब बहुत सॉफ्टली पोलाइटली बोलना. और इम ऐड हो गया तो क्या हो गया, इम्पोलाइट मतलब रूड बिहेवियर. इम प्लस पॉसिबल, कोई चीज पॉसिबल है और कोई इम्पॉसिबल है, मतलब नेगेटिव पार्ट आ गया उसका. तो अब आप ये देखेंगे कि एक्टिव, एप्रोप्रिएट, कंप्लीट, लीगल, लिटरेट, लॉजिकल, ये सब क्या है, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये सब पॉजिटिव वे में है. बट जब हम इनके साथ प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं तो ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे इनएक्टिव, इनअप्रोप्रिएट, इनकम्प्लीट, इलीगल, इलिटरेट, इलॉजिकल. सेम वे हियर, रेगुलर, रिस्पॉन्सिबल, रैशनल, बैलेंस, पोलाइट, पॉसिबल, दीज आर सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. बट हमने जब इनके साथ प्रीफिक्स ऐड किया तो ये बन गए सब नेगेटिव एडजेक्टिव्स, सच एज इरेगुलर, इरेस्पॉन्सिबल, इरैशनल, इम्बैलेंस, इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल. तो ये आपके सारे क्या हो गए, ये आपके नेगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए. अब जैसे हमने प्रीफिक्स ऐड किया और वो नेगेटिव बन गया, उसी तरह से अगर हम सफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स मतलब जो वर्ड हम बाद में यूज करते हैं, तो अभी हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है. बट हम सफिक्स किसके साथ यूज करते हैं, वी यूज द सफिक्स विद नाउन, और नाउन के साथ हम सफिक्स यूज करते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव. सो पहले नाउन आएगा, फिर उसके बाद हम सफिक्स ऐड करेंगे, सफिक्स मतलब बाद में जो वर्ड ऐड करते हैं, एंड इट विल बिकम एन एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. अब वही बात कि सबके साथ ऐसा नहीं होता कि हर वर्ड के साथ आप ऐड नहीं करोगे, कुछ लिमिटेड वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐड होने पर हमारा एडजेक्टिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अडोर प्लस एबल, अडोर इज अ नाउन, एबल हमारा सफिक्स, इट विल बिकम अडोरेबल. जैसे हम कहते हैं ही इज वेरी अडोरेबल पर्सन, अडोरेबल मतलब जिसको सब लाइक करते हैं, जिसकी सब बड़ाई करते हैं, सो दैट कम्स अडोरेबल. अडोरेबल क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया, वो एक क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं, सो इट्स एन एडजेक्टिव. बट यहाँ अडोर और एबल ये दोनों आपके एडजेक्टिव नहीं थे, एडोर आपका एक नाउन था और एबल आपने एक सफिक्स यूज किया, सो इट बिकम एडोरेबल. नाउ कम्फर्ट प्लस एबल, कम्फर्टेबल, कम्फर्ट कि हाँ कम्फर्ट है, बट कम्फर्टेबल कि वो चीज कम्फर्टेबल है. ब्रोक अन, अन हियर द सफिक्स इज अन, ब्रोक अन ब्रोकन, गोल्ड अन गोल्डन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दिस इज अ ब्रोकन ग्लास. अब वो ग्लास को डिफाइन कर रहे हैं क्या, कि वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है. इट्स अ गोल्डन ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी मतलब ये ज्वेलरी जो है नाउन है, उसको डिफाइन कर रहा है कि ये कैसी है, ये गोल्डन है, सो इट्स एन एडजेक्टिव. चाइना इज, अब चाइना इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री, तो ये नाउन है. जापान प्लस इज, अब ये नेम ऑफ द कंट्री नाउन है और इन दोनों के साथ हमने ऐड किया सफिक्स इज, सो इट बिकम्स चाइनीज, जापानीज. अब ही इज अ चाइनीज मैन, मीन्स हम मैन यानी हमारा नाउन, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसकी हम ओरिजिन बता रहे हैं, सो चाइनीज बिकम्स एन एडजेक्टिव. सेम वे जापानीज इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. नाउ वी कम टू द अनदर सफिक्स दैट इज फुल. सो वंडर प्लस फुल बिकम्स वंडरफुल, पावर प्लस फुल पावरफुल, कलर प्लस फुल कलरफुल. ये हमारे बन गए एडजेक्टिव्स, वंडरफुल, पावरफुल, कलरफुल. बट यहां हमारा वंडर, पावर, कलर ये हमारा एडजेक्टिव नहीं था, ये हमारे नाउन थे, बट यहां हमारे बन गए क्या, एडजेक्टिव्स. इनफॉर्म प्लस एटिव, इन्फॉर्मेटिव, टॉक प्लस एटिव, टॉकेटिव. इनफॉर्म किसी चीज को इन्फॉर्म करना, बताना, और उसके साथ हम एटिव यूज कर देंगे तो यह बन जाएगा हमारा इन्फॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव मतलब दिस बुक इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, मतलब ये हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, सो इट बिकम्स अ एडजेक्टिव. टॉक प्लस एटिव,
टॉक बात करना, टॉक के साथ हमने एज अ सफिक्स यूज किया एटिव, इट बिकम्स टॉकेटिव. टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला. सो ही इज अ टॉकेटिव पर्सन या ही इज अ टॉकेटिव बॉय. तो टॉकेटिव क्या हो गया, यहाँ बॉय को डिफाइन कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है दैट ही इज अ टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाला है. तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव. डेंजर प्लस अस, नाउ हियर द सफिक्स इज अस. डेंजर प्लस अस, डेंजरस, दिस रोड इज वेरी डेंजरस और दिस दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंजरस यू कैन से. इन इनाम अस, एनामस, इनाम अस, एनामस, एनामस मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा. सो दिस इज एन एनामस ट्री, देयर वॉज एन एनामस ट्री. अनामस मीन्स बहुत बड़ा. तो वो ट्री को डिफाइन कर रहा है, ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्री कैसा था, बहुत बड़ा था उसका साइज. सो दिस बिकम्स एडजेक्टिव. अब यहां हमने देखा, पहले हमने पढ़ा प्रीफिक्स ऐड करने से एडजेक्टिव बनते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि सफिक्स ऐड करने से भी एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, जैसे एडोरेबल, कंफर्टेबल, ब्रोकन, गोल्डन, चाइनीज, जापानीज, वंडरफुल, पावरफुल, कलरफुल, इन्फॉर्मेटिव, टॉकेटिव, डेंजरस, एनामस, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. अब ऐसे तो एडजेक्टिव्स बहुत सारे हैं जो हम सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते वीडियो में, बट आई एम यूजिंग मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स विच आर वेरी कॉमनली यूज, जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं, अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, वही एडजेक्टिव्स मैंने मोस्टली यहाँ लिए हैं. एंड टू डिस्क्राइब यू और टू टेल यू दैट वॉट एडजेक्टिव इज, एडजेक्टिव होता क्या है एंड वाई डू वी यूज इट एंड वेयर वी यूज इट, तो वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. और हम देखते हैं कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनमें हम प्रीफिक्स भी यूज करते हैं, सफिक्स भी यूज करते हैं, मतलब पहले भी हम यूज करते हैं वर्ड को और बाद में भी ऐड करते हैं और वो भी एक एडजेक्टिव बनता है. फॉर एग्जाम्पल अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल हमने पढ़ा, बट इफ विल एड प्रीफिक्स एज एन, अनकंफर्टेबल बन जाएगा आपका. तो अनकंफर्टेबल, अन प्रीफिक्स, एबल सफिक्स और बीच में वर्ड आ गया आपका कंफर्ट. तो कंफर्ट के साथ हमने प्रीफिक्स भी लगा दिया, अन एबल भी लगा दिया सफिक्स, इट बिकम्स अनकंफर्टेबल. सो दिस सीट इज वेरी अनकंफर्टेबल, दिस बेड इज वेरी अनकंफर्टेबल. अनहेल्पफुल, हेल्प आपका एक वर्ड था, हमने उसके साथ प्रीफिक्स लगाया अन, उसके साथ सफिक्स लगाया फुल, इट बिकम्स अनहेल्पफुल, मीन्स दिस बॉय इज वेरी अनहेल्पफुल, ये किसी की हेल्प नहीं करता. दिस गर्ल इज वेरी अनहेल्पफुल. हैंडसम, अब हैंड के साथ हमने सम यूज किया, सम एज अ सफिक्स, इट बिकम्स हैंडसम एंड हैंडसम इज एन एडजेक्टिव. दिस बॉय इज वेरी हैंडसम, दिस मैन इज वेरी हैंडसम. हैंडसम हम यूज करते हैं मेनली मेल के लिए, मेल, मैन, बॉय, उनके लिए हम यूज करते हैं हैंडसम. कभी गर्ल्स के लिए हम हैंडसम यूज नहीं करते हैं. गर्ल्स आर ब्यूटिफुल बट बॉयज आर हैंडसम. नाउ ऑयली, ऑयल इज अ वर्ड, ऑयल इज अ वर्ड, ऑयल इज अ नाउन और हमने वाई एड किया एज अ सफिक्स, सो इट बिकम्स ऑयली. अब क्या है, दिस इज वेरी ऑयली फूड, ये खाना बहुत ऑयली है, दिस इज वेरी ऑयली फूड. सो ऑयली यहाँ क्या हो गया, ये फूड को डिस्क्राइब कर रहा है दैट फूड इज वेरी ऑयली. तो फूड हमारा ऑयली हो गया, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव बन गया. नाउ वी विल डिस्कस सम मोर एडजेक्टिव्स व्हिच आर एंडिंग विद ईडी और आईएनजी. इफ द एडजेक्टिव इज एंडिंग विद ईडी तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है, इमोशन डिस्क्राइब कर रहा है. एंड इफ द एडजेक्टिव इज एंडिंग विद आईएनजी इट्स डिस्क्राइबिंग समथिंग लाइक इवेंट और पर्सन और अ सिचुएशन, वो ये डिस्क्राइब कर रहा है. एक ही वर्ड है, अगर उसके साथ ईडी लग गया तो वो फीलिंग बताएगा, अगर उसके साथ आईएनजी लग गया तो वो कुछ और बताएगा, राइट. सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज बोर्ड. आई गॉट बोर्ड विद दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट से बहुत बोर्ड हो गई, बहुत बोर हो गई इससे. बोरिंग, माय टीचर इज वेरी बोरिंग, मेरी टीचर बहुत बोरिंग है. अब वो पर्सन के बारे में बता रहे हैं दैट दैट पर्सन इज वेरी बोरिंग. नाउ ये फीलिंग बता रहा है कि मैं बोर हो चुकी हूँ और ये पर्सन को बता रहा है दैट दैट पर्सन इज वेरी बोरिंग. आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं, आप थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं तो आप टाइम पास नहीं कर सकते, आपको लगता है बस अब इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए या अब यू हैव टू रिप्लेस योर प्लेस, आपको अपनी जगह चेंज करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज अनॉयड. अनॉयड मीन्स बहुत ज्यादा गुस्सा. सो आई एम वेरी अनॉयड ऑन यू, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ आपके ऊपर. नाउ अनॉइंग, अनॉइंग मीन्स सिचुएशन और द पर्सन. यहाँ हमारी फीलिंग बताई कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और यहाँ अनॉइंग सिचुएशन बता रहा है, पर्सन बता रहा है दैट पर्सन इज वेरी अनॉइंग पर्सन. योर फादर इज वेरी अनॉइंग, तुम्हारे फादर को तो हमेशा गुस्सा ही आता रहता है या उस आदमी को तो हमेशा गुस्सा आता है, वो अनॉइंग है. कन्फ्यूज, कन्फ्यूज, आई एम वेरी कन्फ्यूज, वॉट टू चूज दिस और दैट, क्या चूज करूँ, ये लू या ये लू, आई एम वेरी कन्फ्यूज, मेरी फीलिंग है. कन्फ्यूजिंग,
this is very confusing situation. Where should I go? Now I don't understand what to do. It's very confusing. ये चीज बहुत confusing है, confuse करने वाली है. So it's talking about a situation or an event. Depressed, depression हो जाना बहुत. I'm very depressed now. I don't want to do anything. I'm very depressed. Feeling है. Depressing. Your event is very depressing. This movie is very depressing. This TV show is very depressing. Excited, excitement होना, बहुत ज़्यादा खुश होना. I'm very excited because I get the admission in that college. Now, मुझे इस college में admission लेके मिल गया, मैं बहुत excited हूँ. Feeling है. Exciting. This movie is very exciting. Traveling is very exciting. हम घूमने जाते हैं, it's very exciting. Satisfied. Satisfied. I'm very satisfied. And satisfying. Your job is very satisfying. You are doing a satisfying job. Interested. The movie is very interesting. Interesting. This story is interesting. This novel is interesting. This book is very interesting. Or I'm interested in this language. Or this book is very interesting. Shocked. I got shocked while seeing him. Or I got shocked while watching that movie. उस movie को देखते हुए मुझे बहुत shock हो गया, shock लग गया. Shocking. अब shocking कैसे कि this is very shocking thing. जो ये news, this is very shocking news. Frightened. बहुत ज्यादा डर जाना, घबरा जाना. I was very much frightened. बहुत ज्यादा डर गई थी. Frightening. Why are you frightening that person? आप उसको क्यों डरा रहे हो? तो ये आपके हो गए ED से एंड करने वाले सब फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स एंड द एडजेक्टिव्स विच आर एंडिंग विद ING, दे ऑल आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, इवेंट, पर्सन, सिचुएशन और समथिंग एल्स. सो व्यूअर्स, हमने आज डिस्कस किया एडजेक्टिव्स. बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस किए. वेल, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हम सारे, एज मैंने पहला बताया, जैसे कि हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई हैव टोल्ड यू मेनी ऑफ द एडजेक्टिव्स विच वी कॉमनली यूज. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. एंड नाउ यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एडजेक्टिव्स एंड नेगेटिव एडजेक्टिव्स. और नाउन से कैसे एडजेक्टिव फ्रेम करना है और कैसे बनाना है वो भी आप समझ गए होंगे. और उनकी पोजिशन क्या होती है वो भी आपको समझ आ गया होगा. सो अगर आपको ये सब समझ आ गया तो लाइक करिए वीडियो को प्लीज, और इसके साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उनको अच्छे से समझ आ जाए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियो. जो भी आपकी मेरी अपडेट्स होंगी, जो भी वीडियोज आएंगी, वो सब आपको पता चल जाएंगी अपने आप. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.